मॉर्निंग बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग। तो रिवीजन स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का। जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं उसका रिवीजन बेटा स्टार्ट किया नहीं किया। बेटा अब टाइम से फटाफट से ऐड हुआ करो लाइव क्लास में। आप काफी टाइम लगा देते हो ऐड होने में। अभी तक 7 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं सर बेटा। तो अगर अभी तक किसी को कोई डाउट है, आपने मैंने जब तक पीछे कोई रिवीजन करवाया है उसमें डाउट है तो मुझे बता दो आप। कितने बच्चे ऐड होते हैं फिर कुछ डाउट अगर किसी का तो वो क्लियर कर लेते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो। किसी को कुछ नहीं पूछना। बेटा किसी को कुछ नहीं पूछना बच्चों। बेटा ठीक है तो फिर आगे चलें, आगे रिवीजन करें अपना। देखो बेटा आगे हमने 1.2 एक्सरसाइज कर ली थी। हमें किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, ठीक है ना। ये अपने √2 √5 वगैरह सारे आपको आ गए होंगे उस पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा एक्सरसाइज के नीचे से स्टार्ट हो जाता है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यानी जो रियल नंबर्स होते हैं और उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किस टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चैप्टर रीड कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको चलो समझा देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम काफी है। तो इसको रिवीजन करेंगे तो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए क्योंकि ये चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही 10th क्लास में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो देखो इसमें लिखा है बेटा, इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी रेशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इन हम रेशनल और इरेशनल नंबर को स्टडी करेंगे इसमें और एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वी विल लुक एट अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यानी अब हम क्या देखेंगे, इनके डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। सी इफ वी कैन यूज द एक्सपेंशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशनल्स एंड इरेशनल्स। वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन यूजिंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हम उस पर नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे इनको, ठीक है, वो भी इसके बारे में अभी बताएंगे आप। इसमें आएगा आपके पास आगे टॉपिक आएगा इसमें, ठीक है। सिंस रेशनल नंबर्स आर मोर फैमिलियर टू अस, जैसे आपको पता है रेशनल नंबर्स आप पढ़ते आ रहे हो, 7th क्लास में भी पढ़े थे 8th क्लास में भी पढ़े थे, इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से याद है आपको। तो वो कह रहे हैं कि हम थ्री तीन एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो 10/3, 7/8 और 1/7, ठीक है ना। तो जब इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं हम, यानी इनको डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो जो डेसिमल में आंसर आता है वो किस तरह के आते हैं, देखो। जैसे 10/3 उसने फर्स्ट लिया है, उसने लिया 10/3, यानी 10 को 3 से डिवाइड कर रहा है वो, तो 3 पे जाएगा, फिर 3 9, फिर 7 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0, फिर 3 पे जाएगा, फिर 9, फिर 1, फिर 0 लगेगा क्योंकि पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर 3 पे जाएगा, फिर 9, फिर 1। तो ये जो प्रोसेस है बेटा ये आगे चलता चला जाएगा। और आप यहाँ देखोगे जो आंसर आएगा वो आएगा 3.333, रिपीट रिपीटिंग आएगा, ठीक है। अब कोई सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार, यानी ये रिपीटिंग है, ये जो 3 है रिपीटिंग है और अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है।
क्लियर है? तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किसकी, 10/3 की, ठीक है। इसी तरीके से आपको दे रखा है 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, और इसका जब आप डिवाइड करते हो 7/8 को, तो जब डिवाइड करते हो तो आपका जो है ना आंसर लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसमें एवरी टाइम रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 आया था यहाँ भी, 1 यहाँ भी 1, लेकिन 7/8 को डिवाइड करते तो आंसर आता है 0.875, और 5 पे जाके स्टॉप हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। और यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी आपका सॉल्यूशन आपको मिल गया। फिर जो नेक्स्ट है बेटा आपके पास, वो है 1/7। अब 1/7 को आप ये देखो, जब डिवाइड किया गया तो आपके पास क्या आ रहा है, 0.14285 ठीक है। और उसके बाद यानी ये ना, ये ही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं आपके पास। रिमाइंडर देखो क्या क्या आ रहे हैं, पहले 3 आया था रिमाइंडर, फिर क्या आया था 2, 6, 4, 5, 1, फिर उसके बाद दोबारा से ये रिमाइंडर आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। दोबारा से यानी यहाँ से फिर से 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5, 7 आएगा। अब 7 के बाद दोबारा फिर से रिपीट हो जाएगा, तो हम ये लिखने की बजाय, रिपीट लिखने की बजाय, यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी, इसको डिवाइड कर रहे थे जब 10 को 3 से, लेकिन यहाँ जब 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक सिंगल डिजिट नहीं, एक ब्लॉक, पूरा ब्लॉक, एक ग्रुप है जो रिपीट होगा आफ्टर सम डिजिट्स। तो इन 6 डिजिट्स कंप्लीट होने के बाद ये फिर से 6 डिजिट दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी रिपीट हो रहे हैं। और एक किसमें रिपीट हो रहा है, ब्लॉक, ये रिपीट हो रहा है बट एक सिंगल ब्लॉक में, सिंगल ब्लॉक में एक ही डिजिट है, इसके ब्लॉक में 6 डिजिट्स हैं। समझ में आ रहा है नहीं, बताओ बोलो। हाँ हाँ, तो ये आपको दे रखे हैं। फिर नीचे दिखा है व्हाट यू हैव नोटिस, यू शुड हैव नोटिस एटलीस्ट 3 थिंग्स। आपने 3 चीजें नोट करी होगी, देखो 3 चीजें क्या नोटिस करी है। जो पहला जो आंसर है, पहला लिखा है रिमाइंडर आइदर बिकम्स 0 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज। आपने बीच वाला जो है 7/8, उसमें देखा होगा कुछ सर्टेन स्टेप्स के बाद जब 7/8 को डिवाइड किया गया, सॉल्व किया गया, तो आफ्टर सर्टेन स्टेप्स ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है ना। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। जैसे कि आपने देखा था 10/3 को देखा था, 1 नंबर रिपीट इट सेल्फ एंड द डिवाइजर इज 3, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था जो है 3, ठीक है ना। एंड इन 1/7 देर आर 6 एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग, यानी इसको स्ट्रिंग बोल रहा है, इसमें स्ट्रिंग में एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग बोल रहा है, ब्लॉक बोल रहा है, 6 डिजिट रिपीट हो रही है। साफ साफ कह रहा है इन 1/7 देर आर 6 एंट्रीज, यानी 6 एंट्रीज मतलब 6 नंबर्स आपके 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है बेटा, इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशेंट, यानी हमें रिपीटिंग ब्लॉक मिलने शुरू हो जाते हैं। फॉर 10/3 थ्री रिपीट्स इन द क्वोशेंट, यानी अब जब देखा था इसमें 3 रिपीट, जो क्वेश्चन में 3 है बार बार रिपीट हो रहा था, यही होता चला जाएगा और रिमाइंडर आपको हमेशा 1 मिलता चला जाएगा, ठीक है। फॉर 1/7 वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक, देखो उसने ब्लॉक भी बोल दिया, स्ट्रिंग भी बोल दिया है। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 1/7 में, 1, 4, 2, 8, 5, 7। अब 7 के बाद जो है ना फिर से वो डिजिट स्टार्ट हो जाएगी, 1, 4, 2, 8, 5, 7 फिर से वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको, जब डिवाइड करोगे 1/7 को, तो 7 के बाद फिर से वही डिजिट रिपीट होगी, 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर से 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो ये रिपीट होना, तो इसको रिपीट इतनी बार तो आप नहीं लिख पाओगे, तो है ना इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इससे अच्छा है आप इसको ऊपर बार लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। क्लियर इतना? तो एक एक पॉइंट बेटा मैं रीड करवा रहा हूँ इसीलिए, ताकि क्योंकि बुक में है ना हम लोग इस पार्ट को छोड़ देते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक एक लाइन पढ़नी होती है बुक में, एक एक लाइन, जो कि देखो हमें हो सकता है कि जो बोलने वाला है, जो आपको पढ़ा रहा है, या आप जब चैप्टर करते हो, उससे कहीं ज्यादा नॉलेज मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये रीड करवा रहा हूँ, ताकि मुझसे भी ना छूटे और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं छूटे, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना इस चीज को। ऑल्दो फिर नेक्स्ट जो है आपका पेज है बेटा, आपने बुक ओपन कर रखी है सबने? बेटा बुक अपनी ओपन करना, देखो इतनी इजी चीजें हो जाएंगी, आप खुद सोचोगे तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है। हाँ आगे देखते हैं। ऑल्दो वी हैव नोटिस दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जांपल्स अबव, इट इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो आप किसी भी रेशनल को देखोगे तो उसके लिए सबके लिए यही तीन फॉर्म आ सकती है आपके पास, या तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा यानी टर्मिनेटिंग कहलाएगा, यानी आंसर कंप्लीट मिलेगा आपको, या दूसरा एक सिंगल डिजिट रिपीट हो सकती है, या फिर तीसरा क्या आपको एक ब्लॉक रिपीट होगा पूरा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है ऑन डिवीजन ऑफ पी बाय क्यू टू मेन थिंग्स हैपन, दो चीजें होंगी, आइदर द रिमाइंडर बिकम जीरो, सीधी सी बात है जैसे आपने देखा 7/8 रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है ना, 5 पे खत्म हो जाएगा आपका, देखा भी होगा आपने बुक में एग्जाम्पल पूरा सॉल्व कर रखा है। ठीक है हाँ, और नेवर बिकम जीरो, यही दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो रिमाइंडर जीरो आएगा और या फिर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब जीरो नहीं आएगा उसमें भी दो केस हो जाएंगे आपके पास, एक तो सिंगल डिजिट रिपीट होगी और एक कोई ब्लॉक भी रिपीट हो सकता है, यानी 2 डिजिट का ब्लॉक, 3 डिजिट का ब्लॉक, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, है ना, 6 डिजिट का ब्लॉक जैसे आपने भी देखा है। तो वी गेट ए रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, रिपीटिंग स्ट्रिंग मतलब उसमें कितने भी आ सकते हैं मेंबर्स, यानी आप उनको क्या बोल सकते हो, डिजिट्स बोल सकते हो, है ना। लेट अस लुक एट ईच केस सेपरेटली, तो पहला केस उसने दिखा रखा है, केस नंबर फर्स्ट द रिमाइंडर बिकम जीरो, जब रिमाइंडर हमारा जीरो जाता है 7/8 का जो एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुका है वो, वी फाउंड दैट द रिमाइंडर बिकम जीरो आफ्टर सम स्टेप्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज इक्वल्स टू 0.875, ये आपको दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी रेशनल फॉर्म है और ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल एक्सपेंशन याद रखना, हर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो डिपेंड करता है कैसा है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स आर 1/2, और 1/2 को जब डिवाइड करते हो हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब ये 639/250 इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लो आप, 2.556 के बाद खत्म हो जाएगा आंसर, कंप्लीट आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी जो एक्सपेंशन है इनके रेशनल नंबर्स के आफ्टर डेफिनेट स्टेप, यानी कुछ एक स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। अब सुनना ध्यान से, अब के वो टर्म्स आ गई हैं जो हम आपकी एक्सरसाइज में यूज करेंगे, टर्मिनेटिंग यानी जिसका आंसर आ जाए इसका डिवाइड करने पे ये आंसर आ रहा है आपका, तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी एक स्टेप पे जाके कहीं लास्ट स्टेप पे जाके रिमाइंडर जीरो आ गया और कंप्लीट आंसर मिल गया, यानी आपकी जो है ना टर्मिनेट हो गया क्वेश्चन, रुक गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इसका 7/8, 7/8 क्या है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, ये रेशनल फॉर्म है और ये डेसिमल फॉर्म है, तो कोई पूछे कि 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, तो आप अपने सोल्व करके बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, और 10th क्लास में आप पढ़ोगे बेटा बिना सोल्व करे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर आपने ये टॉपिक यहाँ समझ लिए तो 10th क्लास में आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, आप कहोगे ये तो सब आता है, तो इसीलिए ये टॉपिक आपको यहाँ समझने जरूरी है। यहाँ तो हम आपको टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बता रहे हैं सोल्व करके, कि डिवाइड किया हम ये स्टॉप हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये टर्मिनेटिंग, लेकिन 10th क्लास में आप क्या करोगे, शॉर्टकट लगाओगे, देख के थोड़ा थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा, डिवाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप ये देखोगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, वो 10th क्लास में टॉपिक आएगा, तो वो अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप इसको समझोगे कि एक्चुअल में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो। हाँ ठीक है, रिप्लाई फटाफट किया करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2।
ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वो होता है जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो और आंसर कंप्लीट आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो आपको क्या बोलना है कि ये इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल आंसर आएगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, वो होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है। फिर केस नंबर टू, केस नंबर टू में लिखा है, इन द एग्जाम्पल 10/3 एंड 1/7 वी नोटिस दैट द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, है ना। जो रिमाइंडर है हमारा वो रिपीट होता है बार बार, जैसे कि 10/3 में जो रिमाइंडर है वो 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 1 रिमाइंडर। अब देखो एक ही स्टेप में रिपीट हो रहा है तो वहां पे एक ही डिजिट आपके पास वापस आएगी, सेम वही आएगी। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था 1/7, जो रिमाइंडर जो रिपीट हुआ बेटा आफ्टर कितने के बाद हुआ बताओ, आप देख सकते हो पीछे पेज में, आफ्टर सिक्स रिमाइंडर्स दोबारा, जैसे पहला जो रिमाइंडर आया था आपके पास 3 आया था, है ना, उसके बाद आपने क्या किया था, फिर पॉइंट लगाने शुरू कर दिए थे, पॉइंट के बाद 0 लेने शुरू कर दिए, तो ये 3 वापस दोबारा रिमाइंडर आया आफ्टर 6 डेसिमल आया, तो इसीलिए इसमें 6 रिपीटिंग होंगे नंबर्स, मेंबर्स होंगे। ठीक है। तो ये सेकेंड है आपका। तो इस तरह के जो एक्सपेंशन है जिनका टर्मिनेशन नहीं होता है, रुकते नहीं है, ठीक है, प्रॉपर आंसर नहीं आता है, और उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है। आप लास्ट पे थोड़ा सा देखेंगे 5-6 लाइन पर, तो इसमें लिखा है ऑल दिस एग्जाम्पल गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग, री का मतलब देखो जहां पे री आ जाए मतलब फिर से दोबारा, है ना, फिर से, जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं, रिकैप दिखाता है, यानी दोबारा से आपको दिखाया जा रहा है कि पीछे क्या हुआ था, तो रिकरिंग, रिकरिंग, री मतलब रिपीट होना, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो बेटा वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ो, ब्रेक करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो रिकरिंग, रिपीटिंग। ठीक है। हाँ, तो इस तरह के जो आपके आंसर आएंगे, जैसे अब था 1/7 था, 0.14 क्या आया था बेटा हमारा, वो 2857, यही रिपीट होगा पूरा प्रो। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ऐसे आएगा कि रिपीट हो रहा है, और रिपीट कैसे हो रहा है पूरा प्रो, तो इसको बोलेंगे नेक्स्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड आप रिकरिंग नहीं बोलना चाहते तो रिपीटिंग बोल सकते हो, एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग बोल सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुकेगा नहीं आंसर, स्टॉप नहीं होगा, रिमाइंडर बार बार रिपीट होगा, एंड रिपीटिंग। क्लियर है, बताओ आप दोनों चीजें, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, बोलो। ठीक है भाई। चलो अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, कह रहा है शो दैट, जो आपको वैल्यू दे रखी है मैं यहां पे लिख देता हूँ, आपको बता रहा है कि शो दैट दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए पी अपॉन क्यू, दोनों तरह से उसको क्वेश्चन दे दिया, मतलब कंफ्यूजन खत्म ही कर दिया। कह रहा है पहला क्वेश्चन तो क्या बन सकता है, शो दैट दिस इज ए रेशनल नंबर, एक तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये आ सकती है। दूसरा क्या आ सकता है, एक्सप्रेस, साफ साफ बोल देगा, कंफ्यूज ही नहीं करेगा, एक्सप्रेस दिस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, और पी अपॉन क्यू फॉर्म किसकी होती है, रेशनल की बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही निकला, यानी शो दैट दिस इज रेशनल, इसको रेशनल प्रूव करना है, तो रेशनल की डेफिनेशन क्या कहती है, उसको किस फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो सिंपल है। ये पॉइंट देखो, पॉइंट के कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, और नीचे कितने हैं,
सिक्स जीरोस लगा दो आप, तो ये पी हो गया ऊपर और नीचे ये क्यू हो गया, है ना। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई आपके पास, ये तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर है इतना, ये रेशनल नंबर आ गया। बट ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ध्यान रखना, क्योंकि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्लियर है इतना चीजें। बट हमें तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बतानी थी, वो ठीक है, हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी पूछी थी उसने, क्लियर है ना। तो हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर हो गया। बताओ भाई एग्जाम्पल नंबर सिक्स। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। बोलो नो डाउट। ओके, तो आगे चले, आगे चले बेटा। हाँ चलो आगे चलते हैं, आगे देखो जरा। अब जो आपका एग्जाम्पल है सेवन, इसमें लिखा है शो दैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 बार, मतलब एक ही है, इक्वल लगा है बीच में, ध्यान रखना। आपका ध्यान बेटा इक्वल साइन पे जरूर जाना चाहिए, इक्वल का मतलब है राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है, एक ही बात है, बस थोड़ा सा दिखने में अलग है, दिखने में अलग है। जैसे आप घर पे हो तो घर की ड्रेस में होंगे, और स्कूल में हो तो स्कूल की ड्रेस में होंगे, ठीक है, हो तो वही। तो इसी तरीके से ये जो इक्वल लगा है मतलब फॉर्म अलग लिखी है, ठीक है। तो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या करना है, 0.3 बार को किसमें रिप्रेजेंट करना है आपको, इसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन है, और आप खुद देखो 0.3 बार है ये। अब मुझे कौन बताएगा ये 0.3 बार, 3 बार है मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन कौन से वाला है ये? मैंने दो बताए थे रेशनल नंबर के डेसिमल, तो कौन सा है बताओ, कौन बताएगा? नॉन टर्मिनेटिंग वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ऊपर बार लगा है, इसका डिजिट रिपीट हो रही है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग है क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट ही हो रही है, ठीक है ना। हाँ तो चलो आगे देखते हैं, अब इसको किस तरह से करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको ना लेट कर लेंगे, लेट इसको एक्स मान लेंगे, इस वैल्यू को एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार, इसको एक्स मान लिया, क्लियर है। अब देखो, अब आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, जैसे 0.5 बार है, 0.5 बार है आपके पास, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है, मैंने एक 5 लिखा और यहाँ 5 लगा के इस पे बार लगा दिया, बात तो वही है, ये 5 तो आना ही था, है ना। अब इस 5 पे बार लगा दिया, मतलब यहाँ से रिपीट है। आप कैसे भी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5, आपको 2 5 चाहिए तो 2 5 लिख लो, अगले पे बार दे दो, अब यहाँ से रिपीट हो जाएंगी, वही चीज है ये, क्लियर है इतना। तो हमें यही करना है यहाँ पे, कि इसको मैं लिखता हूँ बेटा एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 0.3 और अगले 3 पे बार लगा देते हैं, है ना। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, इसके दो मेथड बताऊंगा, एक तो आपको बुक में दे ही रखा है बेटा, ठीक है, हाँ, एक दूसरा वो मैं बताता हूँ। अब देखो, हमने यहाँ पे एक सिंगल 3 क्यों लिया, ये ध्यान रखना, एक ही 3 क्यों छोड़ा, बाकी 2 क्यों नहीं लिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो कि रिपीट हो रही है, रिपीट वाली देखनी है आपने, पॉइंट के बाद बार जो है एक ही डिजिट पे है, पॉइंट भी मत देखो। अब ये देखो कि जो बार है वो एक ही सिंगल डिजिट पे है, यानी एक ही डिजिट पे है, तो 10 यानी 10, 10 में 10 होती है, इसीलिए एक ही लिया हमने फिर यहाँ पे, है ना। और एक ही, हाँ अगर बोलो नैन्सी, क्या हुआ? डिजिट 0.3 बार होता बेटा वॉइस नहीं आ रही, दोबारा से बोलो। बेटा वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही आपकी, ये किसका माइक ऑन है बेटा, इसको ऑफ करो। हाँ नैन्सी अब बोल, बताओ बेटा। 0.3 बार
0.3 बार अगर इसके साथ 0.3 क्या होता तो आपकी टू जेड वॉइस बिल्कुल ब्रेक हो रही है पूरी। यस सर बेटा नैन्सी एक बार फिर से बोलो जरा, हो सकता है कि वॉइस आ जाए आपकी। आप मुझे हाँ टाइप करके बता देना, ये आपकी वॉइस नहीं आएगी, अगर बीच में अच्छे से वॉइस आती है और बोल बोल के बताना मुझे। हाँ तो यहाँ पे हमें क्या है, एक सिंगल ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगल ही डिजिट ब्लैंक छोड़ी है, और हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि एक डिजिट है तो एक जीरो वाला 10 ही होता है। तो यहाँ लिखे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। अब यहाँ 10 से मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे करना है, 10 इंटू 0.33 बार, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है शिफ्ट हो जाता है, आपको पता ही है ना, तो 10 की जीरो इसको शिफ्ट कर देगी, तो ये पॉइंट जो है ना यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.3 बार, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, क्लियर है, बोलो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको, जैसे हमारा 5.5 है मान लो, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5, है ना, ये 5 कंप्लीट है, ये 0.5 है ना, तो 5 प्लस 0.5 5.5 ही होता है, ऐसे इसको लिखेंगे 3.3 बार है, तो 3 प्लस 0.3 बार। बताओ इस स्टेप में कोई डाउट है, इस स्टेप में अगर कोई डाउट है तो बताओ। बोलो भाई। हाँ क्लियर, लिखना आना चाहिए किस तरह से लिखा है मैंने, बस कुछ नहीं किया, एक्सपेंड कर दिया, ऐड करके लिखना है, तो 3 को कंप्लीट अलग लिखा, 0.3 अलग लिखा। अब ये देखो 0.3 बार है हमारे पास, इसको हमने क्या ऐड कर रखा है, देखो एक्स, यानी जहां 0.3 है उसको हम x की वैल्यू ले सकते हैं, उसको हटा के इक्वल लगाए बीच में, इस वैल्यू की जगह x लिख सकते हैं और x की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस ये x लिख दिया, रिप्लेस कर दिया, अब x को सारे को एक जगह इकट्ठा करो, ये x से जरा के माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, कट करेंगे तो 1/3, x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 1/3, यानी डेसिमल एक्सपेंशन आ गया आपके पास 0.3 का 1/3, x को जो आप लेके चले थे ना 0.3 का x लेके चले थे, यानी 0.3, अब मैं लिख भी देता हूँ 0.3 बार का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 1/3 आया, क्लियर बेटा, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एक कर लोगे ये। अच्छा इसमें दूसरा क्या करना था, मैं यहां से बता देता हूँ, यहां से आगे, यहां आगे, ठीक है, ये यहां से देखो स्टेप, एक दूसरा मेथड जो है ना, एक तो हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके खोल के ऐड करवा के ताकि वैल्यू एक्स रख सकते हैं, एक मेथड और है छोटा सा, यहां से बताऊंगा मैं, ठीक है, 10x is equal to 3.3 बार, क्लियर है, और ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पे लेने के बाद कि कितना डिजिट छोड़नी है यहाँ पे, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकेंड मान लेंगे, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है 10x माइनस इसका लेफ्ट हैंड साइड x, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है 3.3 बार माइनस, अब इसको इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार,
ठीक है, आप अगर ऐसे इसको नहीं तो इसको फर्स्ट ले लो, एक ही बात है, इसको ले लो फर्स्ट आप, ताकि आपके एज इट इज वही आ जाए। ठीक है, हाँ। अब 10x - x कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 9x। अब 3.3 बार -0.3 बार, देखो 3.3 बार माइनस करना है 0.3 बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 0 और ये 3 बार, सबट्रैक्ट करेंगे 3 बार में से 3 बार गया, खत्म हो गया 0 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और क्या बचा यहाँ पे, 3 में से 0 गया 3 बचा, यानी सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पे, तो ये 9 जो जाएगा कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, और कट होके कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी है? और जो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका ये एक्स की वैल्यू को हमने किया था किसको, 0., दोनों केस में यही आंसर आएगा आपके पास, समझ आया, बोलो। तो दो मेथड है, एक तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे एक्स बनना चाहिए, ये बनना चाहिए आपके पास, फिर अपने एक्स को शिफ्ट करो, दूसरा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, और जो आएगा ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 10x, इसको सबट्रैक्ट करवा दो तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है भाई, कर लोगे ना? ठीक लो, अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है इसमें देखो, इसमें दे रखा है शो दैट 1.272727, यहाँ पे कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है बताओ मुझे, जो है स्ट्रिंग है, जो ब्लॉक है, किस कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है बताओ भाई, इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 8 में ब्लॉक कौन सा रिपीट हो रहा है ये बताओ। भाई देख के बताओ, इसमें खुद देख सकते हो बार भी किस पे लगा है, वही तो बताओ। हाँ बेटा, कब साफ साफ लिखा है 1.27, हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ बार लगा है 2.7 पे, तो यानी 2.7 जो है ब्लॉक रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हमें पी कौन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 1.27 बार, और इसको किसके इक्वल बता रहा है वो, 1.2727 है ना, यानी 2.7 रिपीट हो रहा है, चाहे ऐसे लिख लो वैसे, तो इसकी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो इसकी हमें क्या बतानी है, डेसिमल फॉर्म, सॉरी डेसिमल फॉर्म रखी है, रेशनल फॉर्म बतानी है, तो इसको क्या कर लेंगे, लेट लेट एक्स इक्वल्स टू 1.27 बार। मैंने बताया था बेटा हमें क्या करना है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है ना उतने से ही मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 0 किसमें होती है, 100 में होती है, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, और 2 ही डिजिट छोड़नी है हमें इसकी, है ना, तो इसको पहले छोड़ेंगे कैसे, सी 2 डिजिट ऐसे 1.27, 1.27 छोड़ दिया और अगले 2.7 पे बार लगा दिया, क्योंकि तो ब्लॉक पूरा ही छोड़ सकते हैं, अधूरा तो नहीं छोड़ सकते, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 100 से क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बार लगा है 2 डिजिट के ऊपर, 2 डिजिट रिपीट होते हैं, ये चीज क्लियर है ना, कितने से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो 100 से करवाएंगे तो जाएगा 100x,
अब 100 × 1.27 × 27 बार। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 127.27 बार। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 100x = 127, 27 बार। अब पहला मेथड जो बताया था हमें, इसको अरेंज करना है। अरेंज क्या करना है, इसमें से 1.27 निकालना है। अब ध्यान से सुनना, सेपरेट कैसे करते हैं। हमें x चाहिए यहाँ पे किसी तरीके से, तो हमें यानी इस में से ये x अलग से निकालना है। तो सबट्रैक्ट करके देख लो, 127.27 बार है, इसमें से ये निकालना है, तो इसको घटा दो, पॉइंट नीचे पॉइंट लगा दो, 1 और ये 27 बार, दोनों पे 27 बार 27 बार कट जाएंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट, या 0 आ जाएगा, और 7 में से बन गया 6 और ये 2, यानी 126 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 100x + 126 + क्या निकाला था हमने, वो वापस जोड़ेंगे ना, 1.27 बार। बेटा समझ में आया कैसे अरेंज करना है 100x, इसको किस तरह से अरेंज करना है, x कैसे निकालना है, ये x है। अब जो निकालना है वो सब इसमें से ये सबट्रैक्ट करके देखो, तो 126 बचेगा, तो 126 लिखना है, प्लस जो सबट्रैक्ट किया था हमने, ये किया था सबट्रैक्ट, तो वो भी लिखोगे, अब वापस ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, जिससे कि हमें एक्स मिल गया। ठीक है, इधर देखो, तो ये हो गया 100x + = 126 प्लस ये किसकी, ये इसकी वैल्यू क्या ऐड कर रखी है, एक्स, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x - x, ये हो जाएगा 99x और ये 126, और ये 126 के किस में चला जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, यहाँ लगा दो किसकी है, तो 126/99, ये आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गई किसकी बेटा, 1.27 बार की। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लोगे तो इसे किस पे जाएगा आपका, ये है ना, काट के देखो इस पे किस पे जाएगा, ये इसको आप बेटा 42 नहीं आएगा, अभी इसको काटो आप, यहाँ पे किस पे जाएगा, हाँ आप इसको पहले 3 पे काट लो, इसको पहले 3 पे काट लो, देखो 3 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
11 की है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यस तो ये कर लोगे आप, है ना। तो इसी में जैसे अगला जो एग्जांपल नंबर 9 है, शो दैट 0.235, 0.2353535। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं रिपीट हो रहा, सिर्फ 3535 रिपीट हो रहा है, इसे लिखा है 0.2 और 35 पे बाद लिखा है, 0.2 और 35 रिपीट हो रहा है ना कि 2, सिर्फ 35 पे बार लिखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे रिपीट कितने डिजिट हो रही है, दो डिजिट हो रही है, इसलिए दो डिजिट छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 0 लेट एक्स करके, 0.2355 पे बार फिर नेक्स्ट हो गया। फिर दो डिजिट रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, कोई बता सकता है? अब तो खैर तुम्हारे पास एग्जाम्पल है सामने, तुम सभी देख के बता सकते हो। तो जितने डिजिट पे बार लगा होता है उतने से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है बेटा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया होगा देखो, उसके बाद सेम पूरा प्रोसेस यही है, कर लोगे ये? हाँ, यस सर। तो आपको ये करना है, ठीक है। और इसमें आपको एक्सरसाइज दे रखी है, एग्जाम्पल नंबर आगे भी दे रखे हैं, और ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपको, जितना हो सकता है उतना एक्सरसाइज खुद को सॉल्व करनी है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ चलो ठीक है।